एक आदमी होता है जो कि रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वहाँ उसकी मुलाकात एक शेर से होती है। उस आदमी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, इसलिए शेर उसका दोस्त बन जाता है और शेर जंगल का राजा होता है, जिसकी वजह से जंगल के बाकी जानवर भी उस आदमी की हेल्प करते थे लकड़ी कटवाने में। फिर एक दिन आदमी ने उन सभी जानवरों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे दोस्त घर आने वाले हैं, जल्दी से अच्छा भोजन बना दो। फिर जब शेर उसके घर खाना खाने आया, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, ये वैसे दरिंदे जंगली जानवर तुम्हारे दोस्त है। ये बात सुनकर शेर को बुरा लगता और शेर उसी वक्त तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी शेर के पीछे भागता है शेर को मनाने के लिए। शेर बोलता है, जो हाथ में तुमने कुल्हाड़ी दी है उस कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर वार करो। वो आदमी ना चाहते हुए भी शेर को कुल्हाड़ी मारता है। शेर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर एक साल बाद शेर उसी जंगल में आता है। आदमी शेर को देखकर खुश हो जाता है, पर शेर आदमी से बोलता है, जो तुमने मुझे जख्म दिया था मेरी पीठ पर देखो, क्या वो अभी भी है। आदमी अपने हाथ से देखता है तो वहाँ पे कोई जख्म नहीं होता। ये देखकर शेर बोलता है, तुमने जो जख्म दिए थे मुझे वो तो भर गया है, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी ने बोला था वो यहाँ पर है आज तक।